हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शक्कर पारे की रेसिपी। और ये शक्कर पारे हम होली के लिए बना रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रंग बिरंगे शक्कर पारे की रेसिपी। शक्कर पारे बड़ों बच्चों सभी को बहुत पसंद आते हैं, और आज ये कलर जो शक्कर पारे हैं वो स्पेशली बच्चों के लिए, साथ में इसमें हम डिफरेंट शेप के इन्हें बनाएंगे, तो बच्चे इन्हें श्योरली पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये शक्कर पारे की रेसिपी। और ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी रेसिपीज को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, वो मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रंग बिरंगे शक्कर पारे की रेसिपी। यहाँ पर शक्कर पारे बनाने के लिए हम मैदा यूज़ करेंगे, तो ये मेजिंग कप है 1 कप, इससे हम 2 कप इसमें ऐड करेंगे। तो मैदा हम ले रहे हैं 2 कप्स, और इसमें मोइन जाएगा। मोइन आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या घी, मैंने यहाँ पर घी को मेल्ट किया है। और ये मैं डाल रही हूँ 1/4 कप। अगर आप ग्राम्स में मेज़र करें तो 200 ग्राम्स अगर आपका मैदा है तो उसमें 50 ग्राम आपका घी जाएगा, या बटर आप जो भी कुछ मोइन के लिए यूज़ कर रहे हैं फैट उसमें जाएगा। तो इस तरह से है, और इसमें थोड़ा सा मैंने घी पहले ऐड किया, थोड़ा सा रख लिया है, और इसे इस तरह क्रम्बल करेंगे। और ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह, अगर ये बॉल की तरह बन रहा है तो इसका मतलब आपका डो अच्छे से इसमें मोइन लग गया है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका डो बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप से भी कम पानी लिया है, तो ये इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डालिएगा। और टाइट सा इसका डो बनाना है हमने। ये देखिए हमारा डो बन चुका है, और थोड़ा सा पानी इसमें से भी बच गया है, तो इस डो को हम अच्छे से मसलते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर इसको शुगर सिरप में डिप करेंगे, तो शुगर मैंने 1 ग्लास लिया है, जो भी मेजरिंग कप आप ले रहे हैं उससे आप ले सकते हैं, और उसका 1/4 इसमें पानी ऐड करेंगे। साथ ही में पारों को फ्राई करने के लिए हम ऑयल लेंगे, तो एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, और इस डो को हम 15 मिनट रेस्ट करने रखेंगे, और उसके बाद हम इससे पारे रेडी करेंगे। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका होता है डो। इसे किचन प्लेटफॉर्म पे लेके हम थोड़ा सा और मस लेंगे, और जितना ज़्यादा हम इसको इस तरह गूंथेंगे उतना ही सॉफ्ट और अच्छा हमारा डो बन के आएगा। तो थोड़ी देर और इसे इस तरह करेंगे, और ये डो सॉफ्ट हो चुका है, तो इसकी हम 2 बॉल्स बना लेंगे। इसमें से एक बॉल को लेके हम राउंड चपाती की शेप में बेलेंगे, और ये चपाती को हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह हमारी चपाती रेडी हो गई है, और इस तरह की इसकी थिकनेस है, हल्का सा इसको इवन कर लेंगे सारी तरफ से। और अब एक तेज धार वाला चाकू लेके इसमें हम कट्स लगाएंगे। शक्कर पारे नॉर्मली छोटे साइज के होते हैं ताकि वह अच्छे से शुगर से कोट हो और उनका टेस्ट अच्छा सा आए, तो ये पतली पतली स्ट्रिप्स में इसकी काट रही हूं। ये एक तरफ से मैंने मार्क कर लिया है, दूसरी तरफ से अगर आप चाहें तो डायमंड शेप भी इन्हें दे सकते हैं। मैं इनको छोटे छोटे स्क्वायर्स में काट रही हूं, तो इस तरह इन्हें काट लेंगे। और ये देखिए ये हमारे पारे रेडी हो गए हैं, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। शेप और साइज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। दूसरी बॉल को भी लेके हम इसी तरह बेल लेंगे, और एक चपाती रेडी कर लेंगे इससे। यहां पर मैं स्टार मोड ले रही हूं, इससे इसको कट करेंगे, इससे स्टार शेप इसमें आ जाएगी। आप पर जो भी शेप हो आप उससे कर सकते हैं, जो बच्चों को पसंद हो। नॉर्मली जब बनते हैं शक्कर पारे तो स्क्वायर शेप में ही बनते हैं,
आप थोड़ा सा बच्चों को खुश करने के लिए इस तरह की शेप बना सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगी। इस तरह एक बटरफ्लाई वाली शेप मेरे पास है, वो मैं बना रही हूँ। ये देखिए काफी अच्छी बटरफ्लाई बन के आई है। इस तरह से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। और अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसे चेक कर लेंगे। और अब इसमें वन बाय वन ये शक्कर पारे ऐड करेंगे, और बहुत ज्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है हमने कढ़ाई को, उन्हें कुक होने के लिए स्पेस चाहिए। तो इस तरह ये देखिए शक्कर पारे हमारे रेडी हो रहे हैं, और अच्छे से फ्राई होने के बाद इन्हें हम निकाल लेंगे पेपर टावल के ऊपर। और इसी तरह ये बाकी जो शेप्स हमने बनाई है इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। आंच को पहले तेज रख के फ्राई करते टाइम कम कर लेंगे आंच को, ताकि अच्छे से फूले और इनका कलर भी अच्छा हो जाए। साथ ही हमारी चाशनी भी रेडी हो रही है, तो उसे भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये पारे रेडी हैं, फ्राई हो गए हैं। चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। अभी ये थोड़ा सा जमने वाली टेक्सचर में नहीं है, तो थोड़ा सा इसे और बॉईल करेंगे और इसे चेक करते रहेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडे होने के बाद जमने से लगे और इसमें तार फॉर्म होने लगे, बस उसी टाइम हम इसमें पारे ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 3 कलम में बना रही हूँ, तो थोड़े से पारे मैं इस नॉर्मल चाशनी में डालूंगी और इसे अच्छे से कोट कर लूंगी पहले, और उसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पारों को कंटिन्यूस हिलाना होता है, क्योंकि अभी ये लिक्विड फॉर्म में है चाशनी, और जैसे जैसे ये क्रिस्टलाइज होगी तो वो इस पर कोट होती रहेगी। तो अगर हम इसे बीच बीच में हिलाएंगे नहीं तो ये आपस में चिपक जाते हैं पारे, फिर उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पारे मैंने अलग चाशनी से निकाल लिए हैं, इन्हें भी मैं बीच बीच में हिलाती रहूंगी। साथ ही यहाँ पे जो चाशनी है उसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पे मैं ग्रीन कलर ऐड करूंगी, साथ में इसमें ऑरेंज। तो यहाँ पर जो चाशनी बची थी उसमें थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर ऐड किया है, और ये बिल्कुल बहुत कम है, और ये फूड कलर है तो कोई इसका हार्म भी नहीं है ऐसे। और ये इतने से कलर में ये बहुत ही अच्छा कलर इन पारों के ऊपर चढ़ जाएगा। और इसे भी अच्छे से हिला के हम कोट कर लेंगे, और थोड़े से पारे हम ग्रीन कलर के लिए बचा लेंगे। जब तक चाशनी गर्म है ये लिक्विड फॉर्म में रहेगी, और जैसे जैसे गर्म होने लगेगी ये क्रिस्टलाइज होने लगेगी। ये देखिए इस तरह से इसे भी हिला लेंगे, और तीनों को हम मेंटेन करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे बीच बीच में। और यहाँ पे ग्रीन कलर मैंने इसमें ऐड किया है, और अब इसमें हम बाकी के पारों को ऐड कर लेंगे और इसको कोट करेंगे। ये देखिए अलग से मैंने चाशनी निकाली है, तो वो बहुत जल्दी थिक हो रही है और क्रिस्टलाइज हो रही है, तो इसे फटाफट करेंगे। और ये जो पैन है, पैन गर्म होने की वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इससे हमारे पास चांस है कि हम इसे हिलाते रहें। और अब हमारे ये पारे सारे रेडी हैं, ये भी क्रिस्टलाइज हो चुकी है शुगर अच्छे से, तो ये हम निकाल लेंगे। ये हमारे नॉर्मल शक्कर पारे रेडी हो गए हैं, साथ ही ये ग्रीन कलर के स्टार शेप और बटरफ्लाई शेप के शक्कर पारे भी काफ़ी अच्छे बने हैं, काफ़ी अच्छे से कोट हो गए हैं। और ये देखिए ऑरेंज वाले शक्कर पारे तो काफ़ी अच्छे से कोट हुए हैं। और जब भी आप शक्कर पारे बनाए, खुले बर्तन में चाशनी बनाए, तो उसमें हमें कोट करना आसान हो जाता है। और इस तरह हमारे ये शक्कर पारे रेडी हैं। इस होली आप ये शक्कर पारे अपने घर पे बनाइए, और अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर करें कि आपको कैसे बने। अगर कोई आपका क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।